हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? वेलकम बैक। आज मैं आप सबके लिए एक हेल्दी हाई प्रोटीन दलिया सैलेड लेके आई हूँ, जिसके बहुत सारे फायदे हैं और वो आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कभी भी खा सकते हैं, वो बहुत ही हेल्दी है। तो चलिए बनाते हैं हाई प्रोटीन दलिया सैलेड। एक पैन चढ़ा रही हूँ और उसमें हम थोड़ा सा हाफ टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। आप ऑलिव ऑयल डालिए, तिल का तेल डालिए, सरसों का तेल डालिए, कोई भी तेल आप जो खाते हैं वो डालिए, जो भी आपको पसंद हो, कोकोनट ऑयल कुछ भी डालिए। तो अब सबसे पहले ये हमारा तेल गर्म हो रहा है, इसमें हम थोड़े से फ्लैक्स सीड डाल रहे हैं, थोड़े से ये तिल डाल रहे हैं। ये मेरे पास वाइट तिल है, आप ब्लैक तिल भी इसमें डाल सकते हैं। जब ये चट चट की आवाज़ आ रही है, उसके बाद हम लोग इसमें जो देर से बनते हैं, पहले ये मैंने स्प्राउट किए हुए चने हैं ये डाल रहे हैं। ये स्प्राउटेड, इसमें बहुत ही आयरन प्रोटीन से भरे हुए ये मैं स्प्राउट डाल रही हूँ। इसको पहले हम सोटे कर लेंगे। सभी वेजिटेबल जो है वो ज़्यादा पकाने नहीं है, क्रंची रखने। इसके बाद मैं यहाँ पर ये थोड़े से कैरेट्स हैं, मैंने जो ये छोटे छोटे चॉप किए हैं, मैं वो डाल रही हूँ। थोड़ी सी ये अदरक मैंने ग्रेट की है, ये अदरक भी डाल रही हूँ। ये सैलेड में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बाद ये मेरे पास थोड़े से कॉर्न है, वो भी डाल रही हूँ। सीजनल वेजिटेबल कोई भी हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। इसको सोटे कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें जो कैप्सिकम है मेरे पास, ग्रीन और येलो, वो दोनों भी डाल देते हैं। ये कलरफुल सारे वेजिटेबल डालिए। मॉनसून का टाइम है, अभी वेजिटेबल भी जो है बहुत कम मिल रही हैं, लेकिन विंटर में बहुत सारी वेजिटेबल आती हैं, तब इसमें आप और भी वेजिटेबल, ब्रोकली वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें मशरूम कर सकते हैं, बहुत सारे वेजिटेबल कर सकते हैं। अब मेरे पास यहाँ पर थोड़ा सा ये पनीर है, छोटे छोटे पीस, ये पनीर भी डाल देते हैं। मेरे पास यहाँ पर कच्ची हल्दी है, इसको भी मैंने थोड़ा थोड़ा बारीक बारीक काट लिया, ग्रेट कर सकते हैं, इसके भी बहुत फ़ायदे हैं। मैंने कच्ची हल्दी भी डाली है, इसको भी थोड़ा सोटे कर लेते हैं। और ये मेरे पास थोड़ा सा बीटरूट है, चुकंदर, इसको लास्ट में डालूंगी ताकि इसका सबका कलर जो है वो ख़राब ना हो एक जैसा। ये फ्लेक्स डाल रही हूँ थोड़े से। तो ये हमारे सोटे हो गए हैं। और ये थोड़े से जो मेरे पास ये चुकंदर है, इसको मैं अलग से कॉर्नर में इसको सोटे कर दूँ। इसको भी मैं थोड़ा सा, इसका जो टेस्ट है वो ठीक हो जाए, कड़वा कड़वा होता है। बस ये चुकंदर को मैंने साइड में गर्म करने के लिए रख दिया है ताकि इसका कलर दूसरे वेजिटेबल पे ना चढ़े, लेकिन इसकी जो है वो प्रोटीन वैल्यू बहुत है इसकी। इसमें विटामिन आपको मालूम ही है, इसमें विटामिन ए सी बहुत है और इसमें फाइबर भी है, इसलिए मैं इसको ज़रूर अपने सैलड में यूज़ करती हूँ। तो ये मैंने इसको भी रख दिया। तो गैस को बंद कर देते हैं और चलिए बनाते हैं सैलड। जो भी ये मैंने वेजिटेबल ये बनाए थे, अब मैं इसमें ये 1 कप दलिया इसमें मैं डाल रही हूँ। ये रोस्टेड वेजिटेबल में मैं मिला रही हूँ। देखिए, ये मेरा फ्रेश दलिया एकदम बॉईल किया हुआ है, इसलिए इसको मैं गर्म नहीं कर रही हूँ। इसको हम 3 दिन तक फ्रिज में उबाल के रख सकते हैं दलिया को, और फ्रिज से निकाल के लाएंगे तो आपको थोड़ा सा दलिया को गर्म करना पड़ेगा। बस
तो ये मेरा दलिया इसमें मिक्स हो गया है। दलिया बनाने की रेसिपी आपको यहाँ आई बटन पे मिल जाएगी। इसको मिलाने के बाद अब मैं यहाँ पर वो वेजिटेबल डालने जा रही हूँ जो हमें कुक नहीं करने हैं। तो ये मैं यहाँ पर, अगर आप अनियन खाते हैं तो डालें, नहीं तो इसको स्किप कर दें। तो मैं इसमें यहाँ पर छोटे छोटे ये कटे हुए अनियन डाल रही हूँ। ये कुकम्बर है, खीरा है, ये भी मैंने छोटा छोटा चॉप कर दिया है, ये भी मैं डाल रही हूँ कुकम्बर। ये टमाटो हैं, ये भी मैंने इसके बीज निकाल के छोटा छोटा चॉप किया है, ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ। देखिए कितना कलरफुल हो जाएगा, क्योंकि हमें इसको पकाना नहीं था। और ये मेरे पास कैबेज है जो मैंने पहले ही धो के और उबाल के काट के ली है, तो ये मैं भी इसमें डाल रही हूँ, कैबेज भी डाल रही हूँ। तो देखिए ये कितना न्यूट्रिशियस, हमारा हेल्दी ये रेसिपी बन रही है। ब्रेकफास्ट कह लीजिए इसको, लंच कह लीजिए, डिनर में जब भी आप चाहें खा सकते हैं। अगर आपको ऑफिस लेके जाना है तो ऑफिस भी आप झटपट 10 मिनट में बना के ले जा सकते हैं। ऑफिस से थक के आए हैं तो आप जल्दी से इसको बना के और फटाफट इसको बना के खा सकते हैं। तो ये बहुत ही न्यूट्रिशियस है, तो आप इसको झटपट बना सकते हैं। तो अब हम इसमें डालते हैं और भी सारे मसाले। अब इसका टेस्ट और अच्छा बनाने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ी सी 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च डाल रही हूँ। ये मेरे पास हिमालय का ये पिंक कलर का नमक है, मैं इसको डाल रही हूँ। थोड़ा सा स्वाद अनुसार आप कम ज़्यादा डाल सकते हैं, मैं 1/2 टेबल स्पून डाल रही हूँ। और इसके बाद मैं इसमें थोड़े से आप हर्ब्स डाल सकते हैं तो वो डालिए इसमें। और मैं इसमें अब इसके बाद नींबू डालने जा रही हूँ, एक नींबू मैं इसमें डालूँगी। बहुत ही अच्छा लग रहा है नींबू डाल के, पानी। और लास्ट में थोड़ा सा मैं ये 1/2 टेबल स्पून इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर डाल रही हूँ। और आप इसमें थोड़ा सा मैं 1 पिंच ये ब्लैक सॉल्ट भी डाल रही हूँ, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और इस सबको मैं मिक्स करती हूँ। ये सबको मिक्स करने के बाद ये बहुत ही हेल्दी हमारा ब्रेकफास्ट बन गया है। इससे फीलिंग भी बहुत होती है, आपको भूख ही नहीं लगेगी और फाइबर भी बहुत होता है। तो ये चलिए हमारा बन गया है। अब इसको मैं डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो लीजिए तैयार है हेल्दी हाई प्रोटीन दलिया सैलेड। और ये जो है बहुत ही इजी है, हेल्दी है, न्यूट्रिशियस है एंड डिलीशियस है। तो लीजिए तैयार है, आप भी अपने घर में बनाइए इसे और अपनी फैमिली को खिलाइए, बच्चों को खिलाइए, चाहे बड़े खाएं, ये सबके लिए ही बहुत ही हेल्दी है और ये बहुत ही इजी है। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझे प्लीज़ थम्स अप दीजिए और लाइक शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि जब भी मैं आपको नई नई वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले मिल जाए। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुड बाय, टेक केयर।